देन अब जो हमारे पास बोन है, हमने बोन का स्ट्रक्चर देखा किस तरह के प्रेजेंट है, बोन का हमने क्लासिफिकेशन किया तीन तरह से, किस किस टाइप से वो क्लासिफाई हो जाएगी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो बोन है वो सेल कौन कौन सी है बोन की और वो क्या उनका फंक्शन है। तो हमारे पास जो बेसिकली फोर टाइप की सेल हमें मिलती है देखने को किसी भी बोन में, फर्स्ट हमारे पास आती है ऑस्टियोजेनिक सेल। ये क्या होती है, स्टेम सेल है। कोई भी आपको पता होगा कि स्टेम सेल की हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज को हमें डेवलप करना है। और बोन हमने देखा कि स्टार्टिंग में पूरा कार्टिलेज था, फिर देन वो आगे कॉम्पैक्ट बोन में, स्पंज बोन कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो रही है। तो हमें एक स्टेम सेल की जरूरत पड़ेगी जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो सके। तो ये जो हमारे पास बोन में स्टेम सेल प्रेजेंट है वो हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल प्रेजेंट होगी, जो कि हमारे पास इसके स्टेम सेल है। ये यहाँ पे आपको शो कर रखा है स्ट्रक्चर में, ये आउटर, अगर बोन को हम इस तरह से निकालें तो यहाँ पे हमारे पास ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होगी, जो आउटर की कवरिंग है ये वहीं पे हमारे पास प्रेजेंट होगी। सेकेंड हमारे पास आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये मैच्योर सेल होगी। जब हमारे पास ये ऑस्टियोजेनिक सेल सेल को डिफ्रेंशिएट कर देगी और आगे जाके मतलब बहुत सेल बना लेगी और सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड कर लेगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बोल देंगे। ये क्या है, हमारे पास मेन बोन फॉर्मिंग सेल होगी। और थर्ड हमारे पास आती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या है, ये जो बेसिकली काम है इसका, वो मेंटेन बोन टिश्यू को ये मेंटेन करके रखती है, मैट्रिक्स फॉर्म करती है बोन का, और उसके मेंटेनेंस में बोन की जो मेंटेनेंस है उसको ये कंसिडर कर, मतलब उसका इसका जो मेन काम है वो मेंटेनेंस है। लास्ट हमारे पास आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये जो बोन को डिस्ट्रॉइंग सेल है, कि जब बोन की कुछ सेल एक सेल दूसरी सेल को रिप्लेस करती रहती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी तरह का फंक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं लास्ट में हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो काम है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है वो हमारी इनको डिस्ट्रॉय करती है। ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग और रिलीज ऑफ कैल्शियम। मेनली ये क्या करेंगी कि जो मैंने आपको पीछे बताया था, जब फंक्शन हम बता रहे थे कि वहां पे आपको दिखाया था कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन्स को स्टोर करके रखती है, और तब मैंने बताया था कि ये इनको स्टोर भी करती है, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो ये इनको रिलीज भी करती है। तो ये रिलीज कैसे करती है, जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल है यही बोन को क्या करती है, रिमॉडलिंग करती है। उसकी रिमॉडलिंग मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको डिस्ट्रॉय करेगी तो जो पूरी की पूरी बोन है वो पूरी ही गायब हो जाएगी। ये जस्ट क्या करती है, इसकी शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, और बाद में जब कैल्शियम फॉस्फेट की फिर से हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वापस से अपनी शेप करती रहती है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो मेन है वो उसकी रीमॉडलिंग करती रहती है, कभी किस शेप की कभी किस, लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा शेप ही चेंज हो जाए, जस्ट